सबसे पहली चीज़ है कि देखो क्या हमारी जो उम्मीद थी, जो हमने स्टार्टअप किया था जिस चीज़ के साथ, जो MD सर के जी, जो हमें उनको मिलना था, ठीक है, ये सबसे पहली चीज़ है कि हमारी जो उम्मीद थी वो कंप्लीट हो चुकी। और बात की गई बिज़नेस की, आज की या आज की मीटिंग की बात की गई, तो सबसे पहली चीज़ है कि इस बिज़नेस के ना जो हमें चीज़ चाहिए, जिस चीज़ के साथ डिस्कस होना चाहिए, वो चीज़ हमारे साथ आज हो चुकी है, तो उससे हम बढ़िया चीज़ों को ले सकते हैं, चला सकते। थैंक यू योगेश जी, थोड़ा बताएंगे आज की मीटिंग के बारे में। मीटिंग बहुत अच्छी रही, जो हमारे प्रॉब्लम्स है जो कि हमें आज तक सोल्यूशन चीज़ों के मिलते नहीं थे, और आज हमें यहाँ पर आने के बाद सीनियर से मीटअप करने के बाद सारे सोल्यूशन मिल चुके हैं। आगे जो भी दिक्कत आई है तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आएगी वो सॉर्ट आउट कर देंगे हमारे लिए। बाकी और सो आज का मीटिंग आई थिंक बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक रहा है, कहीं ना कहीं मैं रियलिटी बता रहा कि हमें पता नहीं चला टाइम कब, आई थिंक इट्स 9 o'clock और मे बी 10 o'clock, राइट? तो कहीं ना कहीं 3 to 4 hours ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं और पता भी नहीं चल रहा कि कितना जल्दी टाइम बीता, राइट? ये मीटिंग मतलब अपने लेवल पे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने जो ऐसे डिस्कस की है शायद जो हमारे बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करने वाली, राइट? तो सतीश जी, थोड़ा सा बताएंगे आज का आपकी तरफ से जो सजेशन रहेंगे। जी बिल्कुल सर, आज का मीटिंग काफ़ी शानदार बोलूँगा, क्यों? क्योंकि जो फीडबैक्स रहेंगे जिन लोगों से भी दिया जा सकता है, और जो एक्सपेक्टेशन थी, खास करके मेरी पर्सनल लेवल पर बहुत सारे डाउट्स थे, एक्सपेक्टेशन थे, जैसे कि मैं लोग सिंगर ने बताया मिक्स है, बहुत हद तक नहीं, मैं बोलूँगा 100% क्लियर है, और एक एनर्जी भी मिली कि हाँ, एक नया विजन भी मिला कि हाँ, यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, जो एक डर थी, फैक्टर थी, वो गायब हो गई, और यहाँ से स्टार्ट करके हम काफ़ी आगे तक जा सकते हैं, मैं बिलीव करता हूँ। एंड आई इन्जॉयड अ मीटिंग, जैसे कि अच्छा सर होता है, 4 घंटे गए पता तक नहीं चला, और ये फैक्ट नहीं पता चला, और MD सर से मिलकर मुझे बहुत खुशी, पहली बार मिला, पहली मुलाकात है, लेकिन बहुत ही अच्छी। थैंक यू सुशील जी, आपके बहुत सारे मतलब एक्साइटमेंट थी जब परसों इनकम को लेके सीनियर जी ने जो वीडियो कॉल किया, जो मीटिंग हुई थी जूम पे, तो पहले मैं घर में था, तो सीनियर जी ने कहा था कि यार जो कम्युनिटी के अंदर है वो बहुत बढ़िया, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी जहाँ जाके काम कर रहे, जहाँ बॉर्डर पे जाके काम कर रहे, आज वैसे ही लग रहा है कि हमारे नरेंद्र मोदी जी आज हमारे साथ आके हमसे काम कर रहे हैं, और हमें एक उम्मीद दे रहे हैं कि यार आगे जाके हम बिज़नेस को कैसे कर सकें, और एक अच्छी फीलिंग भी आ रही है कि यार बहुत दिनों के बाद हम हमारे MD से साथ बात कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, और पर्सनली उनसे बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिल भी गई, और ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को लेकर हम बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ग्रोथ भी ला सकते हैं, और मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ जी जिन्होंने हमें लिए इतना टाइम निकाला। ठीक है, हेलो, आज हम लोग सभी मार्केट जो हमारे महाराष्ट्र के मार्केट हैं, मुंबई, पुणे और सोलापुर से, उन सबके साथ में पहली बार एक गेट टुगेदर, यानी कि इन सबसे मिलना चाह रहा था, बिकॉज ये सब लोग हमारे साथ रिसेंटली एसोसिएट हुए हैं, लेकिन मेरा खुद का एक सपना था कि हम मुंबई जैसे शहर में बिज़नेस को करें। काफ़ी पीछे 2-3 साल से इस चीज़ के लिए मैं हमेशा अपने मार्केट के साथ भी डिस्कस करता था, और मैं हमेशा प्लान कर रहा था, और होपफुली कि हमने 2-3 मंथ पहले यहाँ के जो हमारे मार्केट दलाल जी हैं, मार्केट सचिन जी हैं, इनके साथ हम लोग एसोसिएट हुए, और पिछले 2-3 मंथ में काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिला, जो हमारा आपस का बॉन्ड था, एक रिलेशन ऐसा बना कि जैसे कि हम एक दूसरे को काफ़ी सालों से हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारे कुछ मार्केट्स हैं जो बार बार चाहते थे कि हम लोग एक बार मिले हैं, क्योंकि बिज़नेस को रन कर रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं कि कौन हमारे टीम के जो कैप्टन हैं, जो बिज़नेस को अलग अलग सिटी से एक्सेस कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, टीम को गाइड कर रहे हैं, तो कंपनी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें उनको फेस करनी पड़ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस उसके सामने आते हैं बिज़नेस के, और क्या क्या उन लोगों के सजेशंस हैं, तो एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट बने, ताकि हर एक इंसान जो ग्राउंड पे जाके बिज़नेस को मॉनिटर कर रहा है, उसकी हर एक प्रॉब्लम्स को हम लोग रिजॉल्व कर पाएँ, और कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज एंड प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकें, और इंटरनेशनल को सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इंडिया का बना सकें, उसके लिए इनके साथ एक ग्रुप डिस्कशन हमने आज किया है। काफ़ी सजेशंस इन लोगों ने दिए, और काफ़ी ज़्यादा मतलब घबराए हुए भी हैं, बिकॉज कुछ कंपनी ने पिछले 2-3 साल से इनके साथ, इन लोगों के साथ काम भी किया, लेकिन जो उम्मीद और जो सपनों को लेकर इन्होंने, इन लोगों ने अपने आप को उस इंडस्ट्री के अंदर में टाइम दिया या एसोसिएट हुए और मेहनत करी, वो रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो एक उम्मीद इनको इंडोनेशिया के साथ है, और मैं चाहता हूँ कि
ये इसी उम्मीद के साथ काम करते रहें। और ये मेरा कमिटमेंट है कि जिस सपने के साथ इन लोगों ने इंडोनेशिया के साथ साइन अप किया है, एसोसिएट हुए हैं, और विद इन 2 ईयर के अंदर में जो भी सपने इन लोगों ने देखे थे, प्रीवियस कंपनी नहीं कर पाए, या यहाँ पे जिन सपनों को लेकर आए हैं, ये मेरा आप सबसे कमिटमेंट है कि अगले दो साल में वो चीज़ आप करने वाले हो जो आप 6 साल में या 5 साल में नहीं कर पाए। अब जल्दी हमारे साथ एक नए एम्बेसडर तैयार हो रहे हैं, अक्षय जी को दिखाएं, ये हमारे साथ एम्बेसडर हैं जो नेक्स्ट मंथ से अच्छा आदमी करेंगे। उसके बाद हमारे पास कैलाश जी हैं, कैलाश जी के बाद हमारे साथ सचिन जी हैं, और सचिन जी के साथ साथ अर्पी जी हैं। तो ऐसे बहुत मार्केट्स हैं जो हमारे नए चेहरे होंगे, जो महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना और अलग अलग स्टेटों में बिजनेस को रन करेंगे, और इनके साथ हर मंथ ही हम मंथली मीटिंग किया करेंगे, और इसमें हम एक गेट टुगेदर भी करेंगे, और इनके सजेशंस के बेसिस पे टीम जो ग्राउंड जीरो पे मॉनिटर कर रही है, टीम जैसे इनके लीडर्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और वन सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और जितने भी लोग इस वीडियो के माध्यम से देखना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, या जो महाराष्ट्र से देख रहे हैं, जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो इनके नोन सर्कल में हैं, अगर आप लोग किसी कारणवश डायरेक्ट सेलिंग से दूर हो गए हैं और आपने सोचा था कि मैं अपने सपनों को, अपने फैमिली के सपनों को डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से पूरा कर सकता हूं और आगे जा सकता हूं, लेकिन किसी कंपनी के कारण, किसी प्रॉब्लम्स के कारण, किसी कंपनी के सपोर्ट न मिलने के कारण, टीम के सपोर्ट न मिलने के कारण, लोगों के आपस ऑफिस का जो इन्वायरमेंट है नहीं बनने के कारण, अगर आप बिजनेस से दूर चले गए हैं और आखिर से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और वही लाइफ स्टाइल चाहते हैं जो इंडियन तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इनको कॉन्टैक्ट करें। और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि कभी भी आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको सफल बनाना हमारी जिम्मेदारी है, और इंडोनेशिया आपके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा हम डिस्कशन करो।